अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान, तेज मचा सकता है तबाही। पंजाब हरियाणा में बारिश, लखनऊ में कोहरा, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। अरब की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान तेज, आज के ही दिन डीप डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। देश के कुछ हिस्सों में आज आसमान साफ रहेगा तो वहीं दक्षिण के राज्यों में आज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण पश्चिम अरब सागर के ऊपर एक डिप्रेशन बना हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान इसी क्षेत्र में आगे चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। वहीं एक कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम और उससे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है। हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण के लिए बनाए गए फॉर्मूले के अनुसार इसे तेज कहा जाएगा। इस तरह से इस साल में अरब सागर में दूसरा चक्रवाती तूफान होगा। मौसम विभाग ने डीप डिप्रेशन के बाद चक्रवाती तूफान तेज के रविवार को और तेज होकर गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने और इससे ओमान के दक्षिण तटों पर और आसपास के इलाकों में बढ़ने की भविष्यवाणी की। IMD ने शुक्रवार को कहा कि दक्षिण पूर्व और निकटवर्ती दक्षिण पश्चिम अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में तब्दील हो गया है और सुबह तक इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। वैज्ञानिकों ने यह भी चेतावनी दी है कि कभी कभी तूफान पूर्व अनुमानित ट्रैक और तीव्रता से अलग रूप दिखा सकता है, जैसे ही चक्रवात बिपरजॉय के मामले में देखा गया था जो जून में अरब सागर में बना था और शुरू में लैंडस्लाइड करने के लिए अपनी गति और दिशा बदलने में पहले गुजरात में मांडवी और पाकिस्तान में कराची के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में चला गया था। मुंबई में चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी। निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार अधिकांश मॉडल संकेत देते हैं कि तूफान यमन ओमान तट की ओर बढ़ रहा है। हालांकि ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम मॉडल के अनुसार तूफान पाकिस्तान और गुजरात तट की ओर से भी मुड़ सकता है। मुंबई विभाग ने पहले ही कह दिया है कि मुंबई में चक्रवात का असर ज्यादा हो सकता है, इसे लेकर विभाग ने अलर्ट जारी किया है। IMD ने अपने अपडेट में बताया है कि अगले 48 घंटों में दक्षिण पूर्व और उससे सटे पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट की माने तो आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। वहीं तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मेघालय, पश्चिम राजस्थान में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की उम्मीद है। इसी के साथ 21 से 23 अक्टूबर के बीच पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। मौसम का पूर्वानुमान बताने वाली प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। आंतरिक तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। महाराष्ट्र, सिक्किम में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हुई। शेष देश में मौसम शुष्क रहा। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। मौसम विभाग के अनुसार मिजोरम के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक अन्य चक्रवाती परिसंचरण कोमोरिन क्षेत्र पर है और समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। ताजा पश्चिमी विक्षोभ 21 अक्टूबर की रात से उत्तर पश्चिम भारत के पास पहुंचने की संभावना है। ये तो थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। UMB News के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।